YouTube चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रोफेशनल हेयर कट के बारे में, जो कि हम कैट्स को करते हैं वो हमें कितना बेनिफिट्स देता है और कितना हम लोगों को हेल्प करता है कैट की लाइफ के लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पर्शियन कैट में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं उनके बाल। आप देखोगे जब भी उनके बाल गुत्था होते हैं हम उन्हें कभी ग्रूम नहीं कर पाते अच्छे से, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इवन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है एंड उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अगर आप डेली उनको कॉम करोगे तो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको पूरा हेयर कट देने की। डेली अगर आप उनके कॉमिक करेंगे तो ईजिली उनके नॉट्स ओपन हो जाएंगे, बट अगर आपने एक भी बार इस चीज़ को ड्रॉप किया तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे मैच बड़े हो जाएंगे, और जब वो बड़े नॉट्स बन जाते हैं तो उन लोगों के लिए ग्रूम करना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे मैच भी अगर आप ओपन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी कैट को ओवरऑल अच्छा रखेगा और हेल्दी रखेगा। आप देखोगे जब भी आप कैट को ब्रश करोगे, जब आप पूरे मैटिंग ओपन करोगे तो आपकी कैट के फर सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट इसलिए होते हैं कि जो ब्रशिंग अपन करते वो स्टिमुलेट करता है कैट के कोट को, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है नेचुरल ऑयल, और फिर वो नेचुरल ऑयल मॉइस्चराइज करता है कैट के कोट को और कैट की स्किन को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप डेली कॉम्बिंग करोगे, ब्रशिंग करोगे, तभी आपके कैट की हेयर और स्किन को दोनों को मॉइस्चराइज करेगा और हेल्दी रखेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने मेरे मेल कैट के पूरे हेयर कट कर दिए हैं, मैंने उसे लॉयन लुक दे दिया है। ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैं जैसे ही समर शुरू होता है मैं अपने सारे कैट्स को ट्रिम कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी झेलना पड़े। तो मैं जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो मैं उन लोगों को ट्रिम कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिमिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है। आप देखोगे कैट केस में हेयर फॉल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। हाँ, अगर आपने उसका बेस मजबूत किया है, जब वो किटन था तब से ही आपने उसको हेल्दी रखा है, उसकी कोट पे ध्यान दिया है, तो कभी हेयर फॉल नहीं होगा। बट अगर ये चीज़ आपको देखने मिलती है तो आप एक बार तो भी अपने कैट का पूरा हेयर कट करा दो, इससे उसको लेस शेडिंग होगा, वो कोई भी एलर्जी से सफ़र नहीं करेगी। और कोई भी प्रोफेशनल से ये चीज़ करवाइए, आप खुद अपने हाथ से ना करिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेट ओनर्स, कैट ओनर्स मोस्टली अपने पेट्स की, अपने कैट्स की स्किन कट कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अपने कैट को घर में ही कट देना चाहिए, तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट मत कीजिए। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी वेट से आप अपने कैट को जाके ट्रिम करवा सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, उसके कोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इनसाइड इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फ्लीस का अटैक तो नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि जब भी आपके दिल में आए कि नहीं मुझे मेरे कैट को हेयर कट देना है, तो प्लीज़ आप प्रोफेशनल से ही करवाए। तो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि जब हम हेयर कट करेंगे, जब हम कोई प्रोफेशनल से हेयर कट अपने कैट का करवाएंगे, तो आपको दिखेगा अगर स्किन क्लियर है आपके कैट की, दैट मींस उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। बट अगर आपके कैट के स्किन में आपको फ्लीज बाइट दिख रहा है, कोई और इन्फेक्शन दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें इस बीच में क्योर हो जाएगी। वो सारी दिक्कत जो आप झेल रहे थे इन्फेक्शन की, फंगल इन्फेक्शन की, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्किन रहेगी। और डायरेक्ट अगर आप कोई भी एंटी फंगल शैम्पू लेते हो तो वो डायरेक्टली उसके स्किन में जाके उसको क्योर करेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन इन कैट्स, अगर आप अपने कैट को ट्रिम कर देते हो तो। सो ये हमारे मेन थ्री पॉइंट्स थे जो आप लोगों को मैं बताना चाहती थी बेनिफिट्स देते हैं जब हम अपने कैट को ट्रिम करवाते हैं। हाँ, अगर आप ये चीज़ समर के स्टार्टिंग में ही करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कैट्स को कभी ये चीज़ में, ये तकलीफ़ में आप लोग ना डालें कि उनके बाल गुत्था हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं खुद को ग्रूम करने में, और वो कंटिन्यूसली ग्रूम करते हैं जब तक कि उन लोगों को सुकून नहीं मिल जाता है कि वो अच्छे से ग्रूम हो गए।
तो जितने टैंगल होंगे उतनी उनको तकलीफ होंगी। तो अपने पेट्स को इस चीज़ से बचाए और उन लोगों को डेली ब्रशिंग कीजिए ताकि वो ये सारी तकलीफ़ों से बचे रहे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ गाइज इसको शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं ताकि लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।